हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का BHU कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि CUET के अंतर्गत कितने एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए हैं, किस किस यूनिवर्सिटी में कितने एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए हैं, किस यूनिवर्सिटी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है और किस यूनिवर्सिटी में नहीं भरा गया है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे भी यूनिवर्सिटी हैं जिसमें फॉर्म भरा ही नहीं गया है CUET के अंतर्गत। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही चीज़ जानने वाले हैं, तो आइए देखते हैं हम लोग एक एक करके। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर यह भी बताया गया है कि किस राज्य से कितने एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए हैं। मतलब जैसे कि यहाँ पर देखेंगे आप, उत्तर प्रदेश से 330,000 एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए हैं अलग अलग कोर्सेज में। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे विश्वविद्यालय के बारे में, ठीक है, कि किस किस विश्वविद्यालय में कितने एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए हैं। तो सबसे ज्यादा भरे गए हैं DU यूनिवर्सिटी के लिए, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, DU के लिए ये भरा गया सबसे ज्यादा 605,146 एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप लोग समझ सकते हैं DU के लिए बहुत ज्यादा क्रेज है CUET के अंतर्गत, बहुत ज्यादा। मतलब कह सकते हैं कि लगभग यहां पर देखिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए 400,000 भरा गया है, इससे लगभग 200,000 ज्यादा DU के लिए भरा गया है। तो आप समझ सकते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ज्यादा क्रेज इसका दिख रहा है हमको यहाँ पर CUET के अंतर्गत, DU का दिख रहा है। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अगर बात करें तो थोड़ा सा कंपटीशन कम रहने वाला है DU के मुकाबले, लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर तीन ही यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जहाँ पर दिख रहा है हमको कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है, जैसे कि DU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ये तीन जो है यहाँ पर देखें, इलाहाबाद में भी 233,799 एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए हैं डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए। उसी तरीके से अंबेडकर यूनिवर्सिटी है तो यहां पर 152,000 है, 152,000। उसी तरीके से अगर बात करें तो यहां पर IIMT विश्वविद्यालय है, यहाँ पर 139,000 फॉर्म भरे गए हैं। उसी तरीके से आप जामिया विश्वविद्यालय, जैसे कि आप बात करते हैं बहुत ज़्यादा क्रेज है इसका भी, तो यहाँ पर 122,000 एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए हैं, 122,478 एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए हैं। और ऐसे कुछ अन्य यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि यहाँ पर कलाम टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय है, गलगोटिया विश्वविद्यालय है और राजीव गांधी विश्वविद्यालय है, 117,642। तो ऐसे करके यहाँ पर जो मेन यूनिवर्सिटी है यहाँ पर है दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसमें कि दोनों में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई रहने वाला है। बाद बाकी अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश से कितने एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए हैं, तो सबसे ज़्यादा भरा गया है हमारे UP से, यहाँ से 330,000 एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किए गए हैं CUET के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं। इसके बाद जो है दिल्ली का आता है नंबर, यहाँ पर लगभग देखिए जहाँ पर 330,000 है उसका आधे से भी कम दिल्ली में भरा गया है, दिल्ली के बच्चों ने भरा है 150,000। इसके बाद आता है बिहार का नंबर, जो कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है मेन हेडलाइन में, यहाँ पर 83,672 आवेदक एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए हैं, यानी कि एप्लीकेंट कितने हैं 83,672। और इसके बाद हरियाणा का नंबर आता है, फिर मध्य प्रदेश का, फिर राजस्थान का, केरल का, तमिलनाडु का, मेघालय का, कर्नाटक का। तो कर्नाटक में देखेंगे आप सिर्फ 5,739 एप्लीकेंट ने अप्लाई किया CUET के लिए। और वैसे ही बात करें इसमें JNU का बात करें हम लोग, JNU का उसमें नहीं था नाम, बट यहाँ पर दिया हुआ है JNU के लिए सिर्फ 56,620 एप्लीकेंट ने आवेदन किया है। तो आप समझ सकते हैं कि JNU के लिए बहुत ज़्यादा क्रेज नहीं दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर फॉरेन लैंग्वेजेस की पढ़ाई होती है, तो फॉरेन लैंग्वेज में वैसे भी बहुत ज़्यादा क्रेज नहीं दिख रहा हमको यहाँ तक। फिर भी 56,000 बहुत है, ठीक है, क्योंकि सारे वहाँ कोर्सेज जो UG में होते हैं सारे लगभग फॉरेन के ही हैं। तो इस तरीके से मतलब यहाँ पर कॉमन यूनिवर्सिटी इंटरेस्टेड 2022 के लिए कुल मिलाकर के कितने भरे गए हैं, तो कुल मिलाकर के अब तक 914,000 एप्लीकेशन फॉर्म जो है अब तक भरा जा चुका है, 914,000। और बात करें कोर्सेज के लिए, तो कोर्सेज में BTEC में सबसे ज़्यादा भरा गया है 132,000। देखिए डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज का सभी का मिला करके 914,000 एप्लीकेशन फॉर्म भरा गया है। तो इसमें देखेंगे BTEC का, फिर आता है नंबर BCOM का, 118,393। इसके बाद BCOM ऑनर्स के लिए 114,000, फिर BBA के लिए है 109,000, BA ऑनर्स इंग्लिश में जो है 1,513 आवेदन किए गए हैं, BSc ऑनर्स मैथ्स के लिए 96,778, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए 93,653, उसी तरीके से BSc ऑनर्स मैथ्स ग्रुप में 91,000 के आसपास, BTEC IT मैथ इसमें भरा गया 88,902, तो उसी तरीके से ये भी है। तो कुल मिलाकर के आप समझिए कि जो भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं या फिर DU में पढ़ना चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ जो है
यहाँ पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म मतलब यहाँ पर कंपटीशन क्या है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देख सकते हैं आप 6 लाख भरा गया है। तो आपको 6 लाख में, हालांकि डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में उसमें भी संख्या घट जाएगी, जैसे कि देखेंगे बीटेक में, तो बीटेक में 1,32,000 है, तो बहुत सारे सभी यूनिवर्सिटी को मिला करके है, ठीक। तो आपको समझना है ये चीज़, जैसे कि अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बीए का बहुत ज़्यादा क्रेज रहता है, तो हमारे टाइम में लगभग 72,000 लोगों ने भरा था, तो आप उसी के आसपास मान के चल सकते हैं कि अभी भी उतना ही लगभग होगा। तो आप इस तरीके से तैयारी करिए कि अगर आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या फिर डीयू में लेना है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। बाद बाकी इधर तो आप ले ही सकते हैं, एडमिशन मिल जाएगा आपको, क्योंकि इधर क्रेज कम है। और बात करें यहाँ पर, एक ऐसी भी यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब और नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, इन दोनों जो ये जो दोनों यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पर एक भी एप्लीकेशन फॉर्म सीयूईटी के अंतर्गत भरा ही नहीं गया है। तो ये था आज का वीडियो, आपको आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।